नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के सेवन न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं कोरिया पंचायत में। आपके समक्ष हैं सुरेंद्र शर्मा उर्फ नेताजी, चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी, ये बताएं कि आप राजनीति में क्यों चले आए? इसलिए राजनीति में हम लोग चले आए क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और जनता को सेवा करने के लिए हम लोग अपना जो है सो तत्पर रहते हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं जिसके बीच हम लोग जाएँ और जनता को सेवा करें, और जो भी जनता के प्रति सद्भावना है अपना सद्भावना पूर्ति करें, और जनता के हित के लिए हम लोग कोरिया पंचायत में सेवा करने का जनता मौका दे। और जनता को हम लोग आजीवन के लिए हम लोग चाहेंगे कि जनता सुखी मंगल से रहें। और चूँकि पंचायत क्षेत्र की समाज की बाहर का जो चीज़ है, चाहे जो उसके अंतर्गत आता है, वो हम लोग का मौका जनता दे कि हम लोग मैंने उनके साथ रहें और जुड़े रहें और सुख दुख दर्द को हम लोग समझें, और जनता भी हम लोग को सपोर्ट करें और मदद करें। और कोई भी हम लोग से यदि उस तरह का जनता का उम्मीद हो तो जनता के प्रति हम लोग खड़ा उतरें और जनता के समस्या को, चाहे ग्राम कचहरी हो, आज चाहे जनता के बीच बैठ करके, चाहे जो भी मसला हो, चाहे सरकार के अधीन जो भी कानून और नियम हो, उसको हम लोग भी पालन करें और जनता के बीच रखें और जनता के समस्या को सुलझाएं। चूँकि या थाना या ब्लॉक या कोर्ट कचहरी जो भी हो, वो जनता को वहाँ जाने के मौका न मिले और उसको जो है सो समस्या का समाधान करें और जनता सुखी से रहे। और रहा बात ही कि जो सरपंच के जो वेतन की बात होती है, जो गवर्नमेंट वेतन देती है, उस वेतन जो भी हो वो हम लोग, वो हमारा मकसद है वो गरीब के हित के लिए, चाहे जो भी हो, गरीब तबके के लोग हैं उनके बीच हम लोग जो है सो उसको मदद करें, उसके हित में हम उसको दें, वो अपना उसे अपना कार्यशैली को पूरा करें। इसके अलावा भी कोई भी उसको आवश्यकता पूर्ति होती है तो उसको चलना चाहिए और सबको मिला जुला करके। ग्रामीण क्षेत्रों में शिकायतों का भी सिलसिला जारी है। हर ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपनी अपनी शिकायतें इसी वक्त लेके आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे गाँव में विकास नहीं हुआ है। तो वैसे में अगर आप सरपंच चुन के आते हैं तो एक न्यायिक प्रणाली संभालने के नाते आप अपने स्तर पर क्या न्याय करिएगा? यदि इसके प्रति जो पहले जो भी जो हुआ था उसका तो हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपनी मानसिकता की बात बता रहे हैं कि यदि हम सरपंच होते हैं कोरिया पंचायत से तो हम यही प्रयास करेंगे कि जो भी इसके पहले जो भी मैटर हो, चाहे जो भी बात हो, अपने स्तर से उसको ग्राम कचहरी द्वारा, उसको ग्राम कचहरी में जो भी नियम कानून चाहे जो भी होता है उसको फॉलो करेंगे। और पंच को भी निर्देश दिया जाएगा कि जो भी बात है उसको अपने स्तर से उसको देखे सुने, उसके मान का नहीं है तो हम लोग चाहेंगे कि हाँ सरपंच द्वारा उसको ग्राम कचहरी लगाया जाए और बुला करके उसको किसी भी हालत में हर सूरत में उसको सॉल्व किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरीकों से तूल दिया जाता है कि मामला उलझे और गाँव के लोगों को इसमें कुछ न कुछ फायदे हों, वैसे में आप इसको कैसे सुलझाएंगे? कि गांव के हित में यदि कोई इस तरह का मैटर हो और सामाजिक स्तर में लगता हो कि मैंने ये मैटर उचित है और उसको ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत मैंने उसको जायज मैंने ये करना चाहिए तो वही उचित है, वही करेंगे। हम कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं कर पाएंगे। कहीं कहीं दबाव भी आते हैं मामलों को सुलझाने के लिए, वैसे में क्या हल निकालेंगे? कि कहीं भी दबाव आता है तो पर्सनल मैटर हो जाता है, उसको हम मेटलाइज नहीं कर पाएंगे। हम मेटलाइज करेंगे तो सामाजिक स्तर को लेकर के करेंगे, जो कि समाज के हित लायक बढ़िया हो, समाज बढ़िया कहे और उससे समाज को भी बढ़िया लगे। व्यक्तिगत
नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। शर्मा जी, ईमानदारी के दावे होते हैं लेकिन बार बार गलत हो जाते हैं, वैसे में क्या संदेश देंगे? देखिए, गलत करने वाला कभी भी गलत कर सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि गलत ना हो। सबको न्याय प्रिय लोग हैं, सबको न्याय मिले और सारे लोग सुख चैन से अमन चैन से रहें। कोई भी मैटर हो, जो कि उस मैटर को सामाजिक स्तर से लेकर के उसको निपटारा किया जाए। फिलहाल बातों का सिलसिला जारी है, लगातार गांव में बने हुए हैं, चलते चलते कार्यक्रम के तहत जनता की बातें भी सुन रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं वो भी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कौशलमाटी.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब www.kaushalmati.com